सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस समय मैं आया हूँ गुड़गांव कापस हेड़ा फन एंड फूड वाटर पार्क में। और आज की इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा फन एंड फूड वाटर पार्क के बारे में कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या इसकी टिकट प्राइसिंग रहनी है, पार्किंग चार्जेस क्या रहनी है, कब से कब तक ये खुलेगा और अंदर कौन कौन सी राइड है। तो गाइज वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी दिल्ली एनसीआर के मार्केट और घूमने की जगहों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। फन एंड फूड की अपनी पार्किंग है और पार्किंग इनकी अपनी है मगर ये चार्जेबल है। तो गाड़ी के 50 रुपये हैं और बाइक के 20 रुपये हैं। और ये जैसे देख रहे हो ना घुसते के साथ कुछ इस तरीके से बच्चों को रिझाने के लिए है ना, थोड़ा सेल्फी पॉइंट टाइप बनाए हुए हैं। बाकी हमने अपनी टिकट ले ली है और टोटल हमारे को टिकट जो पड़ी है 1600 रुपये की पड़ी है। 200 रुपये इस बैंड के रिफंडेबल है। और एक चीज़ और कि मतलब जो खाना वगैरह है ना, जो खाना है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो खाने का जो टाइमिंग रखा हुआ है वो 12:30 बजे से 4 बजे तक है। और मंडे टू फ्राइडे जो है टाइमिंग है वो 10 से 4 बजे की है और सैटरडे संडे को वो 10 से 6 बजे तक की टाइमिंग है। तो इस टाइमिंग को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि वर्किंग डेज में 2 घंटे पहले बंद हो जाता है टिकट काउंटर। भाई ये भी है, देखो ये देखो बच्चों के लिए एक ये है। हेलो 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 भाई मस्त बंदा है भाई। ये जॉनी चार्ली चैपलिन है, जॉनी मैं बोल रहा हूँ, जॉनी चार्ली चैपलिन। ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। इनका है ना कुछ इन हाउस है ना, इनका ये भी है स्विम वेयर वगैरह। अगर आप अगर घर से नहीं लेके आए तो यहाँ से परचेज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो हर एज के बच्चों बच्चों से लेकर के सभी के यहाँ पे स्विम वेयर वगैरह मिल जाते हैं। बाकी कुछ अगर इस टाइप के भी कुछ अगर लेके जाना है फन एंड फूड का, जैसे कप वगैरह कुछ भी है, मतलब वाटर बॉटल बच्चों के लिए कुछ भी चीज़, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। जैसे ट्यूब्स वगैरह भी हैं, मग्स भी हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अंदर है ना लॉकर, ये लॉकर रूम है और अंदर चल रहा है गाना, तो इसलिए मैं बाहर आके बता रहा हूँ कि जो टोटल लॉकर के चार्जेस है ना वो 350 रुपये, जिसमें से 200 रुपये रिफंडेबल है और 150 रुपये का लॉकर है। तो इसे ये चार्जेस वगैरह हैं लॉकर के। तो गाइस ये इनका जो है फैमिली पूल एरिया, जो पूरी फैमिली छोटे छोटे बच्चे वगैरह, ये देखो टर्टल वगैरह भी इन्होंने डाले हुए हैं बच्चों को बैठा करके, जैसे बच्चों को मज़ा आए। और फिर इस तरीके से बर्ड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं सेल्फीज़ वगैरह के लिए। और ये वो अभी ऊपर वो एलिफेंट वाली वो बाल्टी भरने वाली है और गिरेगी एकदम से। तो भाई ये है इनका बे पूल। पब्लिक देखो बेहिसाब पब्लिक आ रखी है, अभी स्टार्ट नहीं हो रखे हैं, बस भरे हुए हैं लोग बाग ऐसे। तो भाई ये है इनका पूरा फूड एरिया, ये देखो इधर और इधर, ये पूरा सेटिंग है। और ये बे पूल के बिल्कुल बगल में ही है। और क्या कुछ मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह मिल रहे हैं, ये छोले कुलचे हैं आपको, टिक्की आई थिंक अभी बंद है। और बाकी स्नैक्स वगैरह में बात करें तो ये आपको पकोड़े हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, ब्रेड पकोड़े हो गए, ये आपको पास्ता हो गया, फ्राइड राइस है। और ये क्या चीज़ है भैया, ये मंचूरियन है। और ये नूडल्स हो गए, बाकी कुछ इस तरीके के भी हैं, पीनट्स वगैरह हैं, ये सॉल्टेड नमकीन वगैरह अगर किसी को चाहिए, भुजिया वगैरह, मुरमुरे हैं, तो काफ़ी कुछ आइटम है इधर। मेन कोर्स में एक बार देखते हैं क्या क्या है। तो भाई मेन कोर्स में बात करें तो यहाँ आपको मिल जाते हैं नान, फिर इधर आपको नूडल्स मिल गए, नूडल्स के बाद फिर इधर ये आपको मंचूरियन में, और सेम इधर फ्राइड राइस, फिर पास्ता, पूड़ी, पूड़ी उधर निकल रहे हैं, छोले भटूरे भी हैं उधर, छोले भटूरे निकल रहे हैं, छोले ये रहे भटूरे, और ताजे निकल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि भाई पीछे से कहीं से आ रहे हैं। और इधर भी कुछ लगाया हुआ है इन्होंने, तो चावल हो गए इधर, नवरत्न चावल हैं, दाल है, फिर प्लेन चावल हैं, दाल मखनी हो गई है, फिर ये है क्या है सब्जी बन जा रहा है, मतलब मिक्स वेज है, और ये कढ़ाई पनीर हो गया, और ये कढ़ाई आलू हो गया, खड़े आलू, और मलाई कोफ्ता, और गट्टे की सब्जी है, ये है कढ़ी पकोड़ा, और मीठे में गुलाब जामुन है। तो भाई गोलगप्पे वगैरह हैं, सेल्फ सर्विस है इस तरीके से। और ऐसे नहीं है सिंगल काउंटर है, दो दो काउंटर लगे हुए हैं, चाट पकौड़ी के इधर भी हैं, और उधर स्टार्टिंग एरिया भी मैंने आपको दिखाया था, टिक्की वहाँ पे नहीं थी मगर यहाँ पे चालू है टिक्की। और ये देखो दही बल्ले भी मैडम बना के दे रही है। तो भैया मैं भी कुछ खा लेता हूँ, खाना खाने का टाइम तो हो ही गया है, मैं भी गोल पे लेके आ गया, अब खाता हूँ इसको। तो भैया है मेरी प्लेट और खाना ठीक है, बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाई ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा रेन डांस एरिया है। और मतलब छोटे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए एक नंबर जगह है। ये देखो, ये वाला जो एरिया मैंने दिखाया था छोटे बच्चों के लिए था, इसमें अच्छी अच्छी राइड थी, एक दो राइड मैंने लेके भी दिखाई है। और ये देखो, तो भाई ये है ना, यहाँ के है ना फन एंड फूड की सबसे बड़ी और लंबी राइड है। ये देखो कहाँ से आ रहा है बंदा, ये देखो। भी कुछ बच्चों के लिए ना सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए हुए हैं इस तरीके के। ये देखो बफेलो वगैरह है, डॉल्फिन है, और इस तरीके से जेब्रा वगैरह, ये सारे यहाँ पे देख रहे हो। तो मतलब ये एक पूल भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। भाई बहुत देर से वेट कर रहा था यहीं पूल में बैठा हुआ था, क्योंकि क्या था ना कि एक तो ये जो पहले दिखा रहा था ना आपको सबसे बड़ी राइड यहाँ से जा रही है ये, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी भी है भीड़ तो, मगर अभी फिर भी थोड़ी कम हो गई है। और एक अपने को ये लेनी है थोड़ी सी कौन वाली राइड, एग्जैक्टली ये कौन तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखाते हैं देखो कैसा है। ये है ना ऊपर इस ट्यूब में से आएंगे, इसमें से आएंगे ट्यूब में से, और ये आकर के यहाँ, और फिर यहाँ से ऐसा राउंड होते हुए नीचे एक कौन बनाया हुआ है, वो देख रहे हो आप, उसमें जा करके बंदा गिरता है। अभी कोई आएगा ना तो दिखाता हूँ कैसे क्या है। ये देखो शायद कोई आ रहा है इसमें, ये देखो पता नहीं लगती होगी नहीं लगती होगी भाई। तो भाई इससे पहले कि भीड़ फिर से बढ़ती जा रही है पता नहीं क्यों, तो मैं जाता हूँ पहले तो ये वाली राइड लेता हूँ, ये राइड लेता हूँ, फिर उसके बाद ये वाली देखेंगे। और एक चीज़ और अच्छी बता रहा हूँ देखो, बाकी वाटर पार्क में नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे क्या है कि ये ट्यूब है ना ऑटोमेटिकली, ये देखो इस तरीके से केबल रो बनाई हुई है, और उस पर नीचे एक बंदा हैंग कर देता है, और ऊपर जा करके ना वो बंदा उतार लेता है। ऐसा नहीं है कि जो वे बंदे आ रहे हैं उन्हीं को खुद सिर के ऊपर ट्यूब रख करके लेके आने फिर तो वो राइड का मजे लेंगे, नहीं भाई यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो वो बंदा नीचे लगा रहा है और ट्यूब ऑटोमेटिक ऊपर आएंगे, और ये बंदा ऐसे उतारेगा और देगा, और फिर अपनी राइड लो मजे से। भाई ये छोटी सी राइड थी, मतलब बहुत ही, मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा कब, मगर हार्ड थी भाई, बहुत खतरनाक वाली राइड थी, मजा आ गया राइड करके। अब वो ऊपर वाली जो सबसे लंबी वाली है ना, अब उसको करने चलते हैं। तो भाई हमारी है ना दो राइड रह गई हैं, एक ये वाली ठीक है, और एक वो पीछे। तो पहले हम पीछे वाली लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले में ना कम लोग हैं, अभी इसमें नंबर चल रहा है, हालांकि बंदे तो यहाँ पे भी कम है, मगर पहले वाली लेते हैं। फर्स्ट राइड है ये, अभी भाई को यहाँ सेट कर रहे हैं, एक मिनट नहीं लगेगा, बटन दबाते ही नीचे पहुँच जाएगा भाई बिल्कुल। ये देखो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, ये कर दिया भाई को पैक कर दिया बिल्कुल, और दबाते यार कई टाइम ले रहा है। ये देखो भाई ये बंदा पहुंच गया वहाँ पे नीचे, वो देखो ओ भाई साहब। भाई ये वाली राइड तो ले लिया हमने सामने वाली, ये वाली राइड ले लिया, बहुत ज़्यादा खतरनाक राइड थी। अब राइड लेनी है अपने को ये वाली, मगर इसमें कैमरा ऑन नहीं रख सकते क्योंकि दोनों हाथों से पकड़ना है। यहाँ की एक चीज़ तो अच्छी है कि अगर एडवेंचर करते करते राइड लेते लेते अगर आपको भूख लगने लग जाए, तो जो खाने का प्रोविज़न है ना वो इनका अनलिमिटेड है, राइड लो भूख लगे फिर खाओ, फिर राइड लो फिर भूख लगे फिर खाओ, मतलब अनलिमिटेड है भाई बिल्कुल। तो मैं जा रहा हूँ हल्का फुल्का चाय वाय
कनेक्शन अच्छे लेने के लिए। वो भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना फन एंड फूड विलेज में, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में टाइमिंग बता दी थी फूड की कि 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट 4 बजे तक है, तो अभी हो क्या रहा है, मैंने तो फिर भी गुस्से के साथ पहले खाना ही खाया था, अब हो क्या रहा है कि लोग बागों को ध्यान नहीं था, मस्ती मार रहे थे। अब ये देखो जैसे ये माश हैं, ये परेशान हो रहे हैं खाने के लिए, प्लेट के लिए प्लेट व्लेट सब गायब हो चुके हैं, मतलब गायब क्या उठा लिए क्योंकि टाइमिंग ऑफ हो गई है। अब लोग वहाँ खाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। तो अगर आप आ रहे हो इधर और खाने वाने की सोच रहे हो तो भैया खाना पहले खा लेना, क्योंकि 4 बजे तक की लिमिटेड टाइमिंग है इनकी। अब इन्होंने देखो ये काउंटर वाउंटर सब बंद कर दिया, ये भाई भी नाराज हो रहे हैं कि खाना नहीं खाया। अब गलती इन लोगों की नहीं है, गलती इन लोगों की है कि ये प्रॉपर है ना सारी इन्फॉर्मेशन देखते नहीं है। ये देखो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं खाने को लेकर। भाई फाइनली है ना चली गया वेपूल, मैं तब से वेट कर रहा था कि वेपूल ओपन हो जाए, वेपूल ओपन हो गया, तो एक बार जाते हैं जाकर के मजे लेते हैं वेपूल के। भाई वेपूल चल तो गया मगर वेव वैसी आ नहीं रही है जैसे आनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत स्लो स्लो वेव आ रही है। और ये रहा ये मिकी माउस, ये रजित रोजा टीम, हेलो भाई हेलो भाई, ये मिकी, इसी को पहचाना था सबसे पहले मैंने, हाँ हाँ मिकी माउस को। तो भाई ये रजित रोजा की टीम है पूरी, ठीक है, ये रहा मिकी माउस। तो गाइस आज के वीडियो में फन एंड फूड से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से दी है, जैसे कि पार्किंग के चार्जेस क्या हैं, टाइमिंग क्या है, यहाँ की टिकट प्राइसिंग क्या है, अंदर क्या कुछ है राइड्स में, और खाने पीने में अंदर क्या कुछ है और खाने पीने की टाइमिंग क्या है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के मार्केट और घूमने फिरने की जगहों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।